हमें ये कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं। मतदान के ठीक 5 दिन पहले बटेंगे तो कटेंगे नारे से महाराष्ट्र में सियासी पारा हाई हो गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिहाज से रैलियां की और अपने भाषणों में बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। अब इस नारे को लेकर महायुति के अंदर ही विरोध देखने को मिल रहा है। महायुति महागठबंधन के एनसीपी नेता अजित पवार ने सीधा इसका विरोध किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये नारा हमें पसंद नहीं है, हमने इसका विरोध किया है। वक्त अगर सीए की बात थी तो अब बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा है उसको हमने सबने विरोध किया है। मैंने अकेले ने नहीं, मेरे पार्टियों ने तो किया ही किया। बीजेपी के मुझे किसी ने बताया, पंकजा मुंडे ने भी विरोध किया, वो महाजन तो विरोध करने से क्या होता है? पार्टी में तो आप हैं वैसे भी ना, महायुति में एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे। तुरंत हमने बताया कि ये कि उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाह फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। मैंने हमेशा देखा है, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ या उससे पहले एक स्टूडेंट के नाते मैं जब सोचता था तो भी मैंने देखा है, उसके बजाय वो दूसरा कोई सोच ही नहीं सकता। अजीत जी, फडणवीस जी से मैंने पूछा यही सवाल तो उन्होंने कहा इट्स अ हिस्टोरिकल फैक्ट कि हमारे मुल्क में ये हुआ है कि जब हिंदू एक साथ नहीं रहते बटते हैं तो फिर उनका जो पॉपुलेशन है वो कम होता जाता है और वायलेंस बढ़ता है उनके खिलाफ। स्मिता जी, हर एक का अलग अलग, अभी अलग अलग लोगों को हम इंटरव्यू देते हैं, हर एक के सवाल पूछने का अलग अलग सवाल वो पूछ सकते हैं। देवेंद्र जी का क्या आंसर है मुझे मालूम है। मैंने आपको बताया कि हमें ये कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं। अजित पवार ने कहा कि ऐसे नारे यूपी में चलते होंगे लेकिन महाराष्ट्र में ऐसे नारों की कोई जगह नहीं है। जबकि महाराष्ट्र डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार के बयान को लेकर सफाई देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि शायद वो इसका मतलब नहीं समझ पाए या फिर उनके कहने से कुछ और ही अर्थ निकला है। ये लोग या तो जनता का सेंटिमेंट नहीं समझ पाए या फिर इस बात का वो मतलब नहीं समझ पाए या बोलते हुए वो शायद कुछ और कहना चाहते हैं और उसका अर्थ अलग गया। इन तीनों में से कोई हो सकता है। जहां तक अजीत दादा का सवाल है, मुझे लगता है कि दशकों अजीत दादा ऐसे विचारों में रहे हैं कि जिन विचारों में सेक्युलरिज्म नाम का एक इस प्रकार का विचार है जो मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू विरोधी है। सेक्युलरिज्म, देर इज नो रियल सेक्युलरिज्म अमंगस्ट दोज हु कॉल देमसेल्फ सेक्युलरिस्ट। हिंदुत्व का विरोध करना है सेक्युलरिज्म उनके लिए, ऐसे लोगों के साथ रहे। इसलिए जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। बटेंगे तो कटेंगे इसका अर्थ समाज को एकत्रित रखना है और मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।